हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएसएस किचन में। आज हम बनाएंगे चिकन करी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसे आप भी घर में आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, इसका हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करेंगे, जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता और सूखी मिर्च डालेंगे। इसे 10-15 सेकंड तक के लिए फ्राई होने देते हैं। कटा हुआ प्याज डालेंगे, यहाँ मैंने 2 प्याज लिया है। इसे ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। और साथ ही हम मसाला का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। जिंजर, गार्लिक, ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर सीड, इन सभी का पेस्ट हम कर लेते हैं। तो हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, मसाला का पेस्ट डालेंगे। इसे करीब 4 से 5 मिनट पका लेंगे हम अच्छे से। तो हमारा मसाला भून चुका है। कटा हुआ टमाटर डालेंगे, 5 टमाटर को बारीक करके मैंने डाला यहाँ पे, और इसे करीब 15 से 20 मिनट भून लेना है। टमाटर को मैश होने तक हम इसे पका लेंगे अच्छे से। नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर बहुत ही कम डालना है, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे हम टोमेटो बेस में बना रहे हैं। कटा हुआ चिकन डालेंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे, मिला लेंगे। कटा हुआ मिर्ची डालेंगे, इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर आ चुका है। चिकन को हम करीब 15 से 20 मिनट पकाएंगे। चिकन को भून करके ड्राई कर देना है। तो देख सकते हैं इसमें रोगन आ चुका है। गरम पानी डालेंगे हम, मिक्स करेंगे। इसे हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। ढक्कन खोलेंगे, मिक्स करते हैं इसे। तो चिकन हमारा ऑलरेडी पक चुका था भुनने में ही। तो फ्रेंड देख सकते हैं ग्रेवी का कलर बहुत ही नेचुरल कलर आ चुका है इसका। गरम मसाला डालेंगे, धनिया पत्ता, मिक्स कर देते हैं इसे, चला लेते हैं। और इसे फिर से ढक देंगे 5 मिनट के लिए। ढक्कन खोलेंगे तो देख सकते हैं रोगन आ चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। तो हमारा चिकन करी तैयार हो चुका है। इसे हम एक सर्विंग बाउल में खाली करेंगे। इसे आप चावल, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।